हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वर्तमान परिवेश में प्रदेश व देश को भक्ति के साथ साथ शक्ति की भी जरूरत है। प्रदेशवासियों को विशेषकर युवाओं को हनुमान जी से देश व समाज की सेवा करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारी संस्कृति पर्व परंपराओं त्योहारों उत्सवों की समृद्ध संस्कृति से पूर्ण है। आध्यात्मिक पर्व व्यक्ति में नए उत्साह व नई ऊर्जा का संचार करते हैं। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में पड़ने वाले कैथल के सभी तीर्थों का जीर्णोद्धार व सौंदर्यकरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ देश व विदेशों में कुरुक्षेत्र के साथ साथ कैथल के पौराणिक इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए विशेष योजना बनाकर कार्य किया जाएगा, ताकि सभी को यहाँ की समृद्ध संस्कृति से परिचित करवाया जा सके। महामहिम राज्यपाल रेलवे गेट चिल्ड्रन पार्क के समीप दक्षिणी हनुमान मंदिर में स्थापित 51 फुट प्रतिमा का अनावरण करने के उपरांत आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रामनवमी का पर्व पवित्र पर्व है और एक सप्ताह बाद 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। दोनों ही शुभ मुहूर्तों के अवसर पर श्री हनुमान जी महाराज की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना होना इस क्षेत्र और पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही फलदायी और लाभदायक है। भगवान श्री राम श्री हनुमान जी के साथ साथ हम सबके आराध्य और आदर्श है। आज उन्हीं के परम भक्त श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना होने से जन जन में श्रद्धा की भावना प्रज्वलित होगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश को एक बहुत बड़ी विरासत देने के लिए परिकल्प बनाया है और इसको केंद्र सरकार की तरफ से भी सहायता मिल रही है। माँ भारत का जो भी इतिहास है उसको मद्देनजर रखते हुए इस इतिहास को संक्षिप्त रूप में एक म्यूजियम के रूप में लाने की हमारी कोशिश चल रही है। कैथल, जिसका पौराणिक नाम कपिल स्थल है और यहाँ पर महाबली भीम और हनुमान जी को जो योगदान है उस इतिहास को पूरे देश को जानना चाहिए। इसलिए कैथल और जितने भी हमारे प्राचीन स्थल है उन सभी की जो महिमा है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से हम पूरे देश में बताना चाहते हैं। पत्रकारों ने पूछा कि क्षेत्र कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जितना भी पैसा होता है वह ज्यादातर कुरुक्षेत्र में ही लगता है, बाकी तीर्थों में नहीं लग पाता। इस पर बोलते हुए महामहिम ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सभी तीर्थों को चिन्हित करके उनके बारे में जानकारी जुटाकर सभी का जीर्णोद्धार करवाने में प्राथमिकता देंगे। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसको प्रदेश सरकार भी मनोहर लाल कटल जी भी इसको विशेष रूप में देश को एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत को देने के लिए इसका प्रकल्प बनाया है। उसी में जो है केंद्र सरकार से कृष्णा सरकोट की तरफ से भी कुछ सहायता मिल रही है। इसको दृष्टि में रखते हुए सारे महाभारत युद्ध का जो भी इतिहास है उस इतिहास को एक संक्षिप्त रूप में एक म्यूजियम के रूप में लाने के लिए हमारा कोशिश चल रही है। और खुशी की बात है कैथल भी यहाँ का जब जो कपिल स्थान जैसा जो बताया अभी ने, इसमें जो भीम जी का और हनुमान जी का जो भेंट है ये जो है देश को भी जो है जानने के लिए बहुत ज़रूरत है। तो इस इतिहास को भी हम लोग कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में इसको भी देखते हुए और ऐसे प्राचीन जितने भी स्थल है वो स्थलों को भी एक प्रणाली करते हुए हम लोग कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा हरियाणा का महाभारत का और गीता का सारा जो है संदेश देश को हम सुनाएंगे। ज्यादातर पैसा जो है केडीपी का कुरुक्षेत्र में लगता है, अन्य जगह नहीं लग पाता। ऐसा नहीं, अभी एक विशेष बैठक करेंगे, बैठक करके अभी इसको विस्तार करने का सर विधायक जी विस्तार करने का और जहाँ जहाँ ऐसे जो भी जो ऐतिहासिक स्थल है वो स्थलों को जो है आइडेंटिफाई करके